हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास बुक चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हमें सबसे छोटा नंबर लीस्ट, सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, 15 से और 18 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। अब मैं कोई सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा, या मैं 15 से डिवाइड करूँ, या फिर मैं 18 से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचे वो क्या बचे, 5। अब सबसे पहले देखते हैं रिमाइंडर होता क्या है। अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 9 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो क्या होगा, 4 टू जा 8 और नीचे क्या बचा, 1। तो जो 1 बचता है नीचे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारे पास क्या बचना चाहिए, 5। अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, या मैं 15 से डिवाइड करूँ, या फिर मैं 18 से डिवाइड करूँ, किसी एक ही नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, फिर 15 से डिवाइड करूँ, फिर 18 से, तो तीनों केसेस में क्या बचना चाहिए नीचे, 5। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे ये वाला केस छोड़ते हैं, यहाँ से रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब 5 आना चाहिए रिमाइंडर। अगर मैं 5 हटा दूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई ऐसा नंबर फाइंड करो सबसे छोटा जो 6, 15 और 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तब क्या करते हो, हम एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे उसको, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ किसका, 6, 15 एंड 18 का। तो एलसीएम कह सकते हैं 6, 15 एंड 18। कहाँ से शुरू करते हैं हम, 2 से। अब 2 से मैं 6 को डिवाइड करूँगा, 2, 3 जा 6, फिर 2 से 15 को, 15 नहीं होता है तो 15 एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 से 18 को क्या आ जाएगा, 9। फिर मैं 2 से एक बार दोबारा चेक करूँगा, पर 3 भी डिवाइड नहीं होता है, 15 भी डिवाइड नहीं होता है और 9 भी डिवाइड नहीं होता है। फिर मैं किसे करूँगा, 3 से, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, 3 3 जा 9। फिर अगेन मैं किसे करूँगा, 3 से, क्योंकि यह 5 तो नहीं होता है लेकिन 3 होता है, तो 1 का 1, 5 का 5 और 1 का 1। फिर किसे करूँगा, 5 से, पहले हम 2 से करते हैं, फिर हम 3 पे जाते हैं, फिर हम 5 पे जाते हैं, फिर हम 7 पे जाते हैं। अब हम यहाँ से 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1, और हमारे यहाँ पे यहाँ तक सॉल्यूशन निकल चुका है। हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, हमारा ये वाला मेथड होता जो एलसीएम मेथड। तो क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, तो क्या आ गया, 90। इसका मतलब यह है कि 90 ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये 90 सबसे छोटा ऐसा नंबर है। आप इसमें खुद चेक करके देख सकते हैं कि 90 सबसे छोटा ऐसा नंबर है या नहीं है। पहले आप 6 से डिवाइड करें, फिर 15 से डिवाइड करें, फिर 18 से डिवाइड करें, तो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें पूछा क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 5। आगे मैं 9 में 5 ऐड कर दूँ, 90 प्लस 5 तो क्या बनेगा, 95। क्योंकि 90 क्या है, किससे डिवाइड होगा, 6, 15, 18। 90 क्या है, डिविजिबल है किससे, 6 से, 15 से और 18 से। लेकिन अगर हम 90 में 5 प्लस करें तो 95 आता है। अब 92 डिवाइड हो रहा है, अब मैं एक बार करके देखते हैं, अगर मैं 6 से किसको डिवाइड करता हूँ, 95 को, 6 वन जा 6, 3 5 6, 5 जा 30, क्या बचा नीचे, 5 आ रहा है। और हमें यही पूछा है कि कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है सबसे छोटा जिसको मैं डिवाइड करूँ तो 5 बचे, तो यहाँ पे बच रहा है। सेम, अब मैं 15 से डिवाइड करके देखता हूँ 95 को, 15 6 जा 90, क्या आ गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, अगेन 5 बच रहा है। वैसे हम 18 से करके देखेंगे, उसे आप खुद करके चेक करें कि 5 बचता है या नहीं होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 14 एंड 32। अब क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट क्या, 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर मतलब, अगर मैं 4 लिखता हूँ ये कितना है, 1 डिजिट। अगर मैं 44 लिखता हूँ, 2 डिजिट, 2 3 4 लिखता हूँ तो 3 डिजिट, ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और 4 डिजिट नंबर मतलब
2, 3, 4, 6 मतलब ऐसा, इसमें 4 डिजिट हो, तो 4 डिजिट नंबर कौन सा सबसे छोटा फाइंड करना है जो डिवाइड हो जाए किससे, 18 से, 14 से एंड 32 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वो नंबर फाइंड करेंगे जो 18, 14 और 32 से डिवाइड हो जाए। अब चाहे वो कोई सा भी डिजिट का नंबर हो। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे 18, 14 एंड 32 का, 18, 14 एंड 32 का। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 9 ज़ा 7 एंड 8, फिर अगेन 2 से, सॉरी 16, फिर अगेन 2 से, 9 का 9, 7 का 7, 8 का 8, फिर अगेन 2 से, 9 7 4, 2 से 9 7 2, फिर अगेन 2 से 9 7 1। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से। अब हम 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जो 2 से डिवाइड होता हो, तो 3 से करेंगे। तो क्या जाएगा, 3 3 9 7 और 1, फिर अगेन 3 से, फिर 1 7 1, फिर 7 से 1 1 एंड 1। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, 2 × 2 × 2 × 4, 5 × 2 एंड 2 × 3, 1 2 3 4 5 एंड 1 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 288। तो हमारा एलसीएम आया 18, 14 एंड 32 का 288। लेकिन ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है और हमसे क्या पूछा है, 4 डिजिट और भी स्मॉलेस्ट। तो हमें इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से करेंगे, अगर मैं 288 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 3 से, अगर मैं 288 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो क्या था हमारा, 864। तो हमारे पास क्या आया, 3 डिजिट नंबर आया। अब मैं 288 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो क्या आया, 5 4 1152। तो हमारे पास कौन सा आया, 4 डिजिट नंबर। अब मैं 3 से करता हूँ तो 864 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 4 से कर रहा हूँ तो 1152 आ रहा है। तो कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट, कौन सा 4 डिजिट नंबर जो डिवाइड होता है 18, 14 एंड 32 से। तो आप इसको डिवाइड करके एक बार चेक भी कर सकते हैं, क्या ये 18, 14 एंड 32 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 14 एंड 32। आपको करना है ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है किसका, 4 डिजिट का, जो 18, 14 एंड 32 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने अभी क्या किया, 18, 14 एंड 32 का एलसीएम निकाला, 2 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 से 18 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 16 है, फिर 2 से 16 हो रहा है, फिर 8 आया, फिर 2 से 8 हो रहा है, फिर 4 आया, फिर 2 से 4 हो गया तो 2 आया, फिर 2 से 2 हो गया तो 1 है। यहाँ पे 9 9 9 सेम आ रहा है क्योंकि 2 9 से डिवाइड नहीं होता है, 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 यहाँ तक सेम आएगा। फिर इसको हम 3 से ट्राई करेंगे तो 3 3 से 9 आ रहा है, 7 का इट इज़ और 1 का 1, फिर 3 से करा तो 1 7 1, फिर 7 से किया तो 1 1 1। तुम्हारा एलसीएम क्या आया, 288, जिनको मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है, मैंने 3 डिजिट नंबर है तो मैंने इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या रहा है, 864। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो आ रहा है 1152। और हमसे क्या पूछा है, 4 डिजिट नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस वाले आंसर को चूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं 4 डिजिट नंबर चाहिए और यहाँ पर हमारा 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। अगर मैं चार एक बार 5 से करता हूँ तो वो नंबर इससे भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 1152, 1152 इज द नंबर डिविजिबल बाय 18, 14 एंड 32। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ढंग से समझ आ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।